इंतहाई अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट NA 87 खुशाब से उम्मीदवार उमर असलम का भी तहरीरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। तीन सफात पर मुश्तमिल ये फैसला जो है वो जारी किया गया है। हमें निसार आबिद बताइएगा, ये भी जस्टिस मंसूर अली ने ही तहरीर किया जो फैसला जो जारी हुआ है, इसके बारे में थोड़ी अपडेट बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से उम्मीदवार उमर असलम का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तीन सफात पर मुश्तमल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही तहरीर किया है। उमर असलम ने फौजदारी मुकदमे में हिफाजती जमानत हासिल कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हिफाजती जमानत हासिल करने के बाद उमर असलम मफरूर नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा, आईन और कानून में मफरूर होने की बुनियाद पर इंतखाबात के लिए ना अहल करार देने की शिक मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद अपने जो फैसला है उसमें यह कहा कि अदालतें खुद से उम्मीदवार के लिए कोई इजाफी ना अहली की गुंजाइश नहीं निकाल सकती। जी बहुत शुक्रिया निसार आबिद। नाज़रीन, निसार आबिद ने हमें इस सारी खबर के बारे में जैसा कि तफसील बताई कि NA 87 खुशाब से उम्मीदवार उमर असलम का तहरीरी फैसला जारी किया जा चुका है। तीन सफात पर मुश्तमिल ये फैसला है और उमर असलम ने कहा गया है, फैसले में लिखा गया है कि फौजदारी मुकदमे में हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है।